आदिल कितना भी कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं चार चार शादियाँ करूँगी ना। सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद मोदी जी, आप जुग जुग जियो मोदी जी। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक का जो कानून मुझे भी एक दिन लागू पड़ जाएगा। हमें चार दिन की रिमांड मिली है 20 तारीख तक की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। कल हम सेशन कोर्ट में गए थे कि पहले दिन ही आदिल के वकील ने जो है कि जेसी मांग ली थी, जुडिशनल कस्टडी जिसको कहते हैं। इतिहास में कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि पीसी नहीं मिली और जेसी मिल गई। सब लोग शॉक थे, सारे वकील सब लोग शॉक थे। कोर्ट में PPA गोपीचंद जी से लेकर फाल्गुनी अशोक जी सब लोग शॉक थे। फिर अशोक जी की एंट्री हुई, PPA की एंट्री हुई और जो हमारा युद्ध कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस कस्टडी PC के लिए लड़े कि पुलिस कस्टडी हो आदिल को। आदिल जो है GC लेकर जुडिशल कस्टडी लेकर वहीं से वहीं बेल कर फरार हो जाना चाह रहे थे, पुलिस के हाथ नहीं आना चाह रहे थे, पुलिस को इंक्वायरी नहीं करने देना चाह रहे थे। बट हम लोग दिन रात काम धंधा छोड़कर, मैं काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुलिस स्टेशन एडवोकेट जज साहब के सामने जाके हम लोग वहाँ पे लड़ रहे थे केस। फाइनली हमें पुलिस कस्टडी मिल गई और हम लोग आज आथर रोड जेल से आदिल को लेकर आ गए पुलिस कस्टडी में, उनका मेडिकल करने लेकर गए हैं। अब उनको सारी पूछताछ की जाएगी, मेरे पैसे जो 1.5 करोड़ 60 लाख, दूसरे 10 लाख का घपला है जो इस पुलिस स्टेशन में नहीं बन सकता, वो कहीं और पुलिस स्टेशन में बनेगा। और भी बहुत 3-4 केस है जो मैं गई नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है वो करने के, पहले ये केस तो ख़त्म हो यहाँ का। तो आज पुलिस कस्टडी मिली है, अब सारी इंक्वायरी होगी, थोड़ा सा सुकून मिला है। हम लोग लड़े हैं, विक्ट्री हुई है उनके। पहली बात तो आदिल के वकील में दम ही नहीं है, वो बहुत ही फंबल मारते हैं कोर्ट में, सारी धाराएं जो वो है वहाँ पे सेक्शन तो वो भूल जाते हैं, हमारे एडवोकेट उनको याद दिलाते हैं। सिर्फ मीडिया में आके उनके पास तो और कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि हमारे एडवोकेट मुँह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं मिलॉर्ड तारीख पे तारीख ये सारी चीज़ें। हमारे एडवोकेट जो है अशोक सौरोगी, फिर फाल्गुनी, फिर हमारे PPA गोपीचंद जी मुँह तोड़ जवाब उनको दे रहे, वो सारा ही फंबल मार रहे जज साहब के सामने, बिल्कुल भी वो एकदम डरे हुए हैं, तो उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। इसीलिए वो मीडिया ने घेर लिया तो कुछ तो बोलेंगे ना, इसलिए वो झूठे इल्ज़ाम डाले हैं। मैं तो उनके माँ बाप को ख़ुद बात करना चाहती हूँ, उनके माँ बाप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मेरा, मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ उनके पिता से। आदिल का एक वीडियो है जो कह रहे हैं कि मेरे पिता के पास सारे कागजात है, आतिक भाई जो है बेंगलोर में उनके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पैसों की ली हुई गाड़ियाँ यहाँ वहाँ रखी हैं, या तो आदिल मुझे वो गाड़ियाँ दे दे मैं बेच कर अपने पैसे ले लूँ। कोर्ट मुझे क्या ऑर्डर देते हैं उसके पर डिपेंड है कि ये पैसे कैसे देंगे मेरे। और मैं पुलिस से रजनी साड़ू के मैडम जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में है, सीनियर है, ACP DCP जितने भी हमारे मुंबई में DIG जितने भी हैं सब पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पुलिस कस्टडी मिली है तो ज़रा वो इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने 1.6 करोड़ कौन से अकाउंटों में डाले हैं और वो किसके अकाउंट्स हैं, उनका वो मंगाइए मेल से किस किस को कितने कितने पैसे बांटे हैं आदिल ने, क्योंकि जिन्होंने इन्होंने पैसे डाले उनको मैं तो नहीं जानती हूँ, वो आदिल ही जानते हैं। तो आदिल ने ही वो कारें खरीदी है, सारी कारें खरीदी है, किसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्या उन्होंने प्राइवेट अपने अकाउंटों में पैसे डाले हैं या सचमुच कारें खरीदी हैं, या फिर उन्होंने जिनसे कारें खरीदी उनके अकाउंट में डाले हैं, अपने डैडी के अकाउंट में डाले हैं,
या आतिक भाई के अकाउंट में डाले हैं या अन्य और लोगों के अकाउंट में डाले हैं मेरे पैसे, या पति चोर के अकाउंट में डाले हैं या उनकी अन्य गर्लफ्रेंडों के अकाउंट में डाले हैं, आदिल मेरे जेवर जो मेरी माँ ने मुझे बनाए थे मेरी शादी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, आदिल उस दिन तुम्हारी आँख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर 75 लाख, वो मेरा लाइफ का इंश्योरेंस, और 70 लाख में मेरे जेवर बेचकर मैंने आपके लिए बिजनेस में डाले। आप रोए थे उस दिन, आदिल भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। तुमने कहा 1 साल में मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले 1 साल के ऊपर हो गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ मुझे तो नहीं, पुलिस को तो जवाब दो। देश की जनता भी जानना चाहती कि उन पैसों का क्या किया आपने। मुझे वो मेरे पैसे चाहिए आदिल, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, वो मेरा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ, नहीं, मरती मर जाऊँगी, मैं तलाक तो नहीं दूंगी आपको। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं तलाक का, आप मुझे डाइवोर्स का प्रेशर कर रहे हैं, कितना भी प्रेशर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, वो मौलाना झूठा, तो मौलाना कोई झूठे होते हैं क्या कभी? वो अल्लाह के बाद वो ही होते हैं सारे मौलाना, वो ही पवित्र निकाह कराते हैं, आप उनको झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? रजिस्टर मैरिज कैसे झूठा ठहरा सकते हैं? वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो पति चोर की, जो पति चोर लड़की है ना, जो सबके पति चुराती है, मेरा भी चुराया, मेरा भी घर तोड़ा, वो पति चोर जो है, उसका टाइटल मैंने दिया, उसका नाम इस्तेमाल करने में मुझे घिन आती है उस लड़की का। उसको तो और भी लड़के मिल जाते कुंवारे, शादीशुदा की ज़िंदगी में आके उसे मेरा ही पति मिला, क्योंकि मेरे पति का नाम मैंने इतना बड़ा कर दिया था, घर घर में उसको लोग लाइक करने लग गए थे आदिल को। वो हम लोग फिल्में बना रहे थे, उसके लिए वीडियो बनाया था, उसकी भी 2-4 फिल्में बनने वाली थी, हम कर रहे थे। उसको ऐसा लगा कि आदिल एक अच्छा हाथ है, मैं मार लूँ। उसने बहुत सारे लोगों के घर में हाथ मारे, जूस में पिला के, पति चोर ने जूस में पिला के बेहोश कर दिया। वो आदमी लोग ने मुझे कहा है, एक मोहित जी करके हैं, जूस में पिला के, फिर उनके अश्लील वीडियो बना के उनकी बीवियों से ब्लैकमेल करके 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ कमाए हैं पति चोर ने। उसी से फ्लैट लिए हैं इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर में, यहाँ वहाँ, BMW, रेंज रोवर, बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, मेहनत से कमाई है। किसी के पति को, मुझे डर लग रहा है, क्या आदिल इसके साथ पार्टी में जाता था? क्या आदिल को भी ऐसे ब्लैकमेल किया है? क्या आदिल के भी ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला के पिला दिया है? क्या आदिल के भी इनके साथ ऐसे कुछ वीडियो हैं? तो इसलिए आदिल इसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे छोड़ रहे थे, मुझे भी नहीं पता है कुछ। पूरे मुंबई में देखिए, गए तो पीले शर्ट में थे, उनको किसी ने कपड़े नहीं पहुँचाए, तो पति चोर जो कपड़े भी पहुँचा रही है, बहुत सारी चीज़ें पहुँचा रही है। हाँ, दूसरों के पतियों के ब्लैकमेल किए हुए पैसे जो है मेरे पति पे उड़ा रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये छुटके आएगा और मुझसे शादी करेगा। मैं देखती हूँ आप कैसे शादी करती हो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ अभी, और आदिल से शादी करना इतना आसान नहीं है। आदिल कितना भी कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं 4-4 शादियाँ करूँगी, ना मुस्लिम लोग भी इतना इजाज़त नहीं देते। हाँ, आप सिर्फ निकाह करते तो आप मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद मोदी जी, आप जुग जुग जियो मोदी जी, देश की सारी महिलाएं, मैं आपके चरण छूती हूँ मोदी जी, सारी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं आपको सलाम करती है कि आपने वो 3 तलाक का जो निकाला है कानून, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं पता कि 3 तलाक का जो कानून मुझे भी एक दिन लागू पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता था। अगर मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ किया तो फिर से वो एक केस बनेगा, तो बेहतर है मेरा पति मुझे तलाक ना दे।
मेरा रजिस्टर मैरिज भी है ना, कोर्ट से दे और ना तीन तलाक मेरे सामने कभी यूज भी ना करे ये शब्द। तो ये पति चोर जो है लड़की, मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ मेरे पति से शादी करने के लिए। शर्लिन का मेरा इतना बड़ा केस नहीं है, शर्लिन मेरी बहुत पहले से फ्रेंड थी। शर्लिन देखिए, मैं 10-10 कोर्ट घूम नहीं सकती हूँ ना, तो शर्लिन आदिल को भाई बना के एक इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने शर्लिन को बताया, शर्लिन हम पुराने दोस्त हैं, उनके घर पे, उनके बंगले पे गई, उनको कहा शर्लिन एक काम करो, पहले मेरे मोबाइल में ना आप सब देख लो आदिल ने क्या किया है मेरे साथ, फिर आप अपना आदिल को सपोर्ट करो या उसको आप डिसीजन अपना ले सकती हो, आप एक लड़की हो, आपको अधिकार है अगर आपने आदिल को भाई बोला है तो। तो शर्लिन ने सब वीडियो ऑडियो सब देखा, वो शॉक हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो कि उसके आँख से आंसू भी गिरे, कह रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो एक आम लड़की के साथ क्या होता होगा, उसने क्या किया होगा, जो धारा 376 की भी जो मैसूर से लगी है रेप केस की, और भी अन्य लड़कियां जो बाहर नहीं आ रही है। मैं आपको कहती हूँ, आज वादा करती हूँ, ये पति चोर भी एक दिन आदिल पे केस करेगी। आज वो मीठा मीठा बोल रही है, जेल में कपड़े पता नहीं क्या 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 पहुँचा रही है, वकीलों को पैसे दे रही है, उसको उम्मीद है कि आदिल उसे शादी करेगा, नहीं करेगा। आदिल मेरा पति है, हाँ मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गई हूँ बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, और मैं हमेशा उनकी पत्नी रहूँ, आप भूल जाइए। तो शर्लिन एक अच्छी लड़की है, समाज सेवा करना चाह रही है डेफिनेटली, और आज हम दोनों दोस्त हैं। किसी से मदद मांगना, मदद की गुहार मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तो शर्लिन का मेरा केस चल रहा था, तो अब सारी ज़िंदगी तो मैं केस कोर्ट में घूम नहीं सकती ना, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाहिद भाई का कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शर्लिन से कहा कि आप दोनों दोस्त बन गई है तो अब केस वापस ले लीजिए। तो शर्लिन ने भी वादा किया है कि हाँ 8 मार्च को आपको पता चल जाएगा। तो मैं शर्लिन का, वाहिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जो केस है आदिल के खिलाफ वो बहुत गंभीर केसेस है, वो घरेलू केसेस है, क्या बोलते हैं वो, कौन से, क्या डोमेस्टिक वायलेंस, मनी मैटर, धोखाधड़ी, चीटिंग के, फिर 420, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही शादीशुदा जिंदगी में बीवी को मारना, बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, बीवी के माँ के जेवर जो उसकी माँ रही नहीं है, वो बीवी की पूंजी है वो और वो दूसरी लड़कियों को दे देना, मेरे बहुत सारे केसेस हैं। 2-4 केसेस तो अभी मैंने किए नहीं हैं, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, पहले इससे निपट लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।